सो गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा वीडियो एडिट ना करके कैसा दिखता है। सो गाइस आप देख सकते हो अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हो एडिट ना करके मेरा ऐसा दिखता है मेरा वीडियो। हेलो गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्वान टेक टिप्स। सो गाइज आज मैं आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा आप ऑफिशियल तरीके से कैसे आप अपने यूट्यूब वीडियो को एडिट करोगे और उसके लिए ना ही आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और ना ही आपके पास DSLR होना चाहिए। आपके पास अगर DSLR लैपटॉप कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ मोबाइल है और आप मोबाइल फोन से वीडियो शूट करते हो तब भी आप अपने वीडियो को बहुत ही इंप्रूव कर सकते हो, प्रोफेशनल तरीके से आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो और आपका वीडियो बहुत ही हाई क्वालिटी में दिखाएगा। सो गाइस ऐसे कैसे आप एडिट करोगे वही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो का देना एक लाइक। सो गाइस मैं खुद मोबाइल फोन से वीडियो शूट करता हूँ और मोबाइल फोन से ही मैं एडिट करता हूँ, सब कुछ मैं मोबाइल फोन से करता हूँ। सो गाइस अभी जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो एडिट करने के बाद मेरा वीडियो ऐसा कुछ दिखता है, लेकिन एडिट करने से पहले मेरा वीडियो ऐसा नहीं दिखता है। सो गाइस बहुत ही लो क्वालिटी वीडियो आता है और अच्छा नहीं दिखता है। सो गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा वीडियो एडिट ना करके कैसा दिखता है। सो गाइस आप देख सकते हो अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हो एडिट ना करके मेरा ऐसा दिखता है मेरा वीडियो, एडिट करने से पहले मेरा कुछ ऐसा वीडियो दिखता है। सो गाइस आप खुद कंपेयर करके देख सकते हो एडिट करने से पहले मेरा वीडियो कैसा था और एडिट करने के बाद मेरा वीडियो कैसा हो गया। सो गाइस दोनों में बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, एडिट करने के बाद बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही हाई क्वालिटी में दिखता है वीडियो, लेकिन एडिट करने से पहले ऐसा नहीं दिखता है। अगर आप एडिट करोगे ऐसा तो आपका वीडियो भी ऐसा दिखाएगा। आपका वीडियो अगर लो क्वालिटी है फिर आप एडिट करके उसको हाई क्वालिटी में कर सकते हो और आप कलर भी ऐड कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो एडिट करने से पहले मेरा कलर कैसा था और एडिट करने के बाद कैसा हो गया। सो गाइस ऐसे आप एडिट कर सकते हो, बहुत ही इजी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस उसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। तो उसके लिए चलते फोन की स्क्रीन पे, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप ऐसे एडिट करोगे। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सो गाइस ऐप का नाम है VSCO, भॉस्को या VSCO बोलते हैं क्या पता, लेकिन आपको यही ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अगर ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो फिर वहाँ पर आप एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, वीडियो एडिट नहीं कर पाते हो, पे के लिए बोल रहे हैं मतलब बाय करने के लिए बोलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रोम ब्राउज़र में जाके वहाँ से मोड वर्सन को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो कि मैं खुद प्रोवाइड करूँ वो ऐप तो आपको क्या करना है, कमेंट में जाके ओके लिखना है, फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को। सो गाइस आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, यूट्यूब अलाउ नहीं करता है इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे सकता हूँ। तो आप अगर ये ऐप चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन कर लेना है। सो गाइस ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाता है, तो यहाँ पर प्लस आइकन पे ओके करना है। प्लस आइकन पे ओके करने के आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप इमेज भी एडिट कर सकते हो, वीडियोस भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पर मैं वीडियोस एडिट करूँगा तो वीडियोस पे जाके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस मैं ये वाला वीडियो एडिट करूँगा, जो वीडियो आप देख रहे हो यही मैं वीडियो एडिट करूँगा आपके सामने ही। सो गाइस यही मैं वीडियो एडिट करूँगा, तो इसको आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाएगा, तो आप यहाँ से फिल्टर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक भी फिल्टर यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं। सो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकेंड पे जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद एक्सपोजर पे आपको ओके करना है। अगर आपका वीडियो में लाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर आप उसको कम कर सकते हो, अगर आपका कम है तो यहाँ से आप इसको ज़्यादा कर सकते हो, फिर एडजस्ट कर सकते हो अपने वीडियो को। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है, जीरो में रहने दूंगा क्योंकि मेरा लाइट ठीक है, कम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका वीडियो में कम है तो इसको ज़्यादा कर देना, अगर ज़्यादा है तो इसको कम कर देना। फिर यहाँ पर जो राइट का ऑप्शन है यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर कॉन्टेस्ट पर जाना है, अगर आप चाहते हो और भी आपका डीप हो आपका वीडियो तो यहाँ पर आप इसको करने से आपका वीडियो बहुत ही डीप हो जाएगा, तो ऐसा मत करना, आपको यहाँ पर ज़ीरो ही रहने देना। अगर आपका ज़्यादा, अगर आपके यहाँ पर ज़रूरत है तो आप इसको करना। सो गाइस इसको मैं नहीं करूँगा। फिर यहाँ पर सैचुरेशन
पे आ जाता हूँ तो यहाँ पर सेचुरेशन अगर मैं ज्यादा करूंगा तो ऐसा कुछ दिखाएगा, तो मैं यहाँ पर भी कुछ नहीं करूंगा। तो गाइस यहाँ पर टोन लिखा है, तो यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ऊपर जो ऑप्शन है इसको आपको सिर्फ ज्यादा करना है, नीचे जो ऑप्शन है शेडो का उसको आपको जीरो पे रहने देना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपके वीडियो के हिसाब से आप ज्यादा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6 कर लूंगा, तो आपका वीडियो में जो अच्छा लगेगा वही आप कर लेना। फिर यहाँ पर आ जाता है व्हाइट बैलेंस का, आपको क्या करना है व्हाइट बैलेंस पे जाना है। फिर यहाँ पर टेम्परेचर को आपको थोड़ा कम कर देना है, टेम्परेचर के कम करने से वीडियो और भी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर टिंट को आपको ज्यादा कर देना है, अगर आप टिंट को ज्यादा कर दोगे और भी आपका वीडियो अच्छा होगा। सो गाइज इसको ऐसे कर देना है, फिर आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर स्किन टोन पे आपको जाना है, स्किन टोन पे जाने के बाद इसको आपको ज्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो, आपका जो अच्छा लगेगा वो आप करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कर दूंगा। ज्यादा करने के बाद यहाँ पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है HSL का, तो यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जो रेड का ऑप्शन है आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कलर चेंज होगा, ठीक है। ये कलर चेंज का ऑप्शन है, यहाँ पर सेचुरेशन का ऑप्शन है, मतलब जो कलर है वो डीप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका काम क्या है आपका, ये वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा जो शर्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज हो जाएगा ऐसे। सो गाइस ऐसा आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर जो ऊपर है इसको आप चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा। आप ये दोनों चीजों को चेंज करोगे तो आपका वीडियो में जो कलर का ऑप्शन, आपका जो वीडियो में कलर होगा वो और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा कलर चेंज हो रहा है। और यहाँ पर जो दो ऑप्शन है, ये दो जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। इसका काम क्या है, इसका काम है आपका जो फेस है उसको और भी व्हाइट करेगा और भी अच्छा दिखाएगा आपको। सो गाइस यहाँ पर दो ऑप्शन है यहाँ पर आपका। सो गाइस यहाँ पर मैं करके दिखा तो आपको, ठीक है। नीचे का जो ऑप्शन है इसको आपको ज्यादा करना है, और सेकंड पे जो ऑप्शन है सेचुरेशन का इसको आपको कम करना है। फिर से यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद एल जो ऑप्शन है एल का, इसको आपको ज्यादा करना है और एस का आपको कम करना है। सो आप ज्यादा कम करोगे तो आप देख सकते हो मेरा वीडियो कैसा दिख रहा है, एक बार व्हाइट व्हाइट सा मेरा वीडियो में फेस व्हाइट व्हाइट सा हो गया, बहुत ही व्हाइट हो गया। तो ऐसा व्हाइट नहीं चाहिए मुझे, तो थोड़ा इसको ज़्यादा करूँगा। ज़्यादा करने के बाद ऐसा मेरा सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको फुल ज़्यादा कम करके दिखाऊंगा। सो गाइस आप देख सकते हो मेरा फेस कैसा दिख रहा है, अगर इसको ज़्यादा कर दिया तो ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है, तो मैं इसको व्हाइट करूँगा। तो इसको कर दिया ज़्यादा, या ग्रीन कुछ भी कलर होगा आपके वीडियो में तो यहाँ से आप उस कलर को चेंज भी कर सकते हो, उस कलर को ज़्यादा कलरिंग भी कर सकते हो। ग्रीन कलर का अगर वीडियो में आपका कोई भी कुछ भी है तो उसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। मेरा स्किन पे कोई ग्रीन कलर के कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन का कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ पर मेरा एक ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर मेरा ऑप्शन है एक बैकग्राउंड में एक कलर है इस कलर से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड में जो लेफ्ट साइड में जो है वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे आप कलर चेंज कर सकते हो। सो गाइस ऐसे आप इजीली कलर चेंज कर सकते हो, मैं ऐसे कलर चेंज करता हूँ। सो गाइस ऐसे मैं कलर चेंज करता हूँ। सो गाइस यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पिंक कलर है, पिंक कलर मेरा बैकग्राउंड पे है, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा करूँगा, फिर इसको ज़्यादा कर दूंगा, फिर इसको यहाँ से एल के जो है लेफ्ट साइड में लेके जाऊँगा, मतलब कम करूँगा इसको। अब कम करने के फ़ायदा क्या है आप देख सकते हो, कम करने के फ़ायदा है आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्मूथ हो गया, ठीक है। इसको अगर आप कम करोगे तो आपका बैकग्राउंड बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, इसको ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा ब्राइटनेस और ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा कर दूँगा तो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो ऐसा आप इजीली कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर ओके कर देना, करने के बाद आपका एडिट कंप्लीट हो गया है। फिर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर जब फुल हो जाएगा तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। सो गाइस आपको क्या करना है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सेव होने के बाद आपको अपने काइनमास्टर में जाना है। काइनमास्टर में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद प्रोजेक्ट को ओके करना है। प्रोजेक्ट को करने के बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद बैकग्राउंड पे जाके आपको यहाँ पर कुछ भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है पहले। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको ज़्यादा कर देना है आपको। अब जब ज़्यादा कर दोगे आपका जो वीडियो का लेंथ है उस हिसाब से आपको इसको ज़्यादा करना है। ज़्यादा करने के बाद आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद मूवीज VSCO लिखा है, यहाँ पर ओके करने के बाद वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फिर वीडियो में ओके कर देना। ओके करने के बाद ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद यहाँ पर जो सेकेंड पे ऑप्शन है यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर आपको सेकेंड पे और एक ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा आपका वीडियो। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद
अगर आपका वीडियो में कुछ भी पार्ट गलत है उसको आप कट करना चाहते हो तो यहाँ से जाके आप सिंपली कट कर सकते हो। कट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एडजस्ट कर देना है। सो गाइस आपको क्या करना है, लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद यहाँ पर हैंड राइटिंग लिखा है, यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जो क्रॉस का आइकन है उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी वीडियो का कुछ पार्ट पे आपको ओके करके इसके ज़्यादा कर देना है। ज़्यादा करने के बाद इसको फिर से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद और भी ज़्यादा कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे कर देना है। ऐसे करने के बाद फिर से यहाँ पर थ्री डॉट पे ओके करना है। फिर डुप्लीकेट लेयर पे ओके करना है। डुप्लीकेट लेयर पे ओके करने के बाद आपका डुप्लीकेट और एक लेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर जाके आपको फिर से इसको ऊपर कर देना है। ऊपर करोगे तो आपका वीडियो ऐसा लुक आ जाएगा आपका वीडियो में। तो आप देख सकते हो ऐसा लुक आ चुका है आपका वीडियो में। ऐसे आप प्रोफेशनल तरीके से अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो और आपका वीडियो का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। सो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा तो जरूर वीडियो का देना एक लाइक और चैनल का देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।